हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। तो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। फिलहाल तो दिन का टाइम हो चुका है और मैं घर पे हूँ। गाय के साथ गया था सुबह से, वही था, और लालू भी आया था मेरे साथ। देखो इसकी हालत, देखो तुम इसकी, इतना गंदा हो रखा है ना ये देखो, ऐसा गंदा बन रखा है ना, पूरा कीचड़ में लेट गया है। और ये वैसा कुत्ता है, मतलब गाँव का किसी का पर्सनल तो है नहीं, तो कोई नहलाता भी नहीं इसको, पर एक खुद ही नहा के आ जाता है वैसे नदी से, पर अभी नहीं आए। आज बिल्कुल गंदा हो रखा है। अरे सीधा जाएगा अंदर, जहाँ मैं बताता हूँ ना इसकी सोने की जगह है, तो ये वहाँ गंदा ही कर देगा, इसलिए आज मैं इसको नहलाने वाला हूँ। एक बार बहुत पहले नहलाया था मैंने उस बार, और वो मतलब भाग गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसे करते हैं कुत्ते, और वो भाग के सीधा मिट्टी में फिर से लेट गया। तो आज नहलाऊँगा मैं इसको, अभी पाइप लगाता हूँ फिर इसको नहलाऊँगा मैं ऐसे पाइप से, अभी दिखाऊँगा आपको। अभी तो मम्मी कपड़े धो रही है यहाँ पे, तो अभी जब मम्मी कपड़े धो देगी उसके बाद लगाऊंगा मैं पाइप और इसको नहलाऊंगा पहले। क्या बन रखा है देखो सर इसकी हालत, कीचड़ में। अरे अरे धरो धरो। तो कपड़े तो धो दिए मम्मी ने, पर लालू पता नहीं कहाँ भाग गया। अभी तो इधर ही लेटा हुआ था, उधर चले गया वो शायद खाना खाने के लिए, अभी वहीं पर देखा था मैंने। अब बाद में आएगा जब तब नहला दूंगा। देखो पाइप भी निकाल रखा है मैंने, जैसे आएगा वैसे ही नहला दूंगा उसे। हम जरा खाना खाते हैं तब तक। साक्षी तो कॉलेज गई हुई है तो हम खाना खाते हैं। तो मैं तो अभी सोने वाला था, मतलब खाना वाना खा लिया था हमने, मैं सोने ही वाला था, टीवी लगा रखी थी मैंने। मैंने जैसे ही टीवी बंद की बाहर देखा तो लाल उसी वक्त आया यहाँ पे, देखो लेट रखा आराम से। तो अभी इसको नहलाऊंगा मैं जैसे बताया था, तो इसको फटाफट से पहले बांधता हूँ मैं चेन से। तो चेन तो मिली नहीं, पर मैंने एक रस्सी बांध दी है, अभी दिखाता हूँ मैं। और पाइप भी लगा दिया मैंने बाहर लगा था। और एक और अच्छी चीज़ हो गई कि साक्षी आ गई कॉलेज से, तो अभी हम मतलब वो वीडियो बना लेगी और मैं नहला लूँगा इसको। आज लालू की खैर नहीं। खुल नहीं है था तब तक जब तक सुकून ना वेल वेदन तंग कर रहे ना। ओ बाबा अच्छा अच्छा क्यों है लुपार दिन चल बोलते ये देखो भाई मस्त नहा लिया, बहुत नखरे किए इसने। अभी इसको बांध के रखा है ऐसे इसलिए क्योंकि अगर खोल देंगे तो मिट्टी में जाके ना वहाँ पे ऐसे गंदा हो जाएगा फिर से। पिछले दिन हज माटम जब तक ये सूख नहीं जाता तब तक इसको ऐसे ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खोल दूंगा इसे। बहुत दिनों बाद रोना लग गया, रोना क्या रे ऐसे रहना बस लेट यहीं पे ऐसे रहेगा तो ठीक है, वरना मुंह देखो इसे। क्या भाई क्या भाई उदास है पूछ दे क्या भाई, एक रोट ली हो कुछ, एक रोट ली हो क्या इसको दूसरी बार नहीं लाया, मतलब जिंदगी में लगा लो कैसा हो गया। ओए ले क्या भाई क्या भाई, क्या भाई? नाराज हो गया वो, बहुत तेज कुत्ता है। क्या भाई कुछ नहीं आ, कुछ नहीं आ, मिल भी तना ना भी। ओ भाई साहब बहुत बढ़िया शाबाश, वो बोल रहा है तुम भी ना हो, हमको तो हम भी हमको भी नहला रहा है, खुद तो ना गया ना हमको भी नहला रहा है वो। क्या भाई वो नाराज हो गया, रोटी भी नहीं खा रहा, इन्हें देख ले, ले पकड़ पकड़ ले शाबाश, थोड़ी देर से हम रहता खून है क्या रोता खवा में लार कुकरो थे बोल दो तो ना दिया। हां हां अरे कुकरो तक हां वे एक वाला धरने दो जुआ बांदर भी नहीं कांदो किरा नहीं कांदो वे तक जान पड़न बस खवा
बांध रुक थपड़े ने जमा एक दिन वो डर रखा है कि कहीं दोबारा नहीं लागे। चलिए पैप बिटोल ने ले तू चलिए पैप बिटोल बिटोल में लाना जरा मैं भूख लगी मैं तो मैं अभी खाना नहीं खाना। खोल दिया मैंने इसको अब देखो अभी इसलिए खोला मैं थोड़ी देर में खोलता ये तो उसने रस्सी काट दी थी इतनी रस्सी काट दी थी इसने दांत से यार अब भाग गया देखो मिट्टी में जाएगा वो पक्का देख रहा तुम जाके मिट्टी में लेट जाएगा वो पक्का। हाँ लालू पता नहीं अब लेटेगा तो अब क्या कर सकते हैं उसने रस्सी काट दी थी इतनी तब मैंने सोचा खोल देता हूँ इसको अभी तो खोल दिया मैंने। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और मैं जा रहा हूँ तलिया क्योंकि वहाँ से कुछ सामान लाना है। वैसे तो मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ पर वहाँ से सामान लाना है क्योंकि जो मैं बता रहा था मंदिर बन रहा है तो वो पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है। वहाँ पर दरवाजे भी लग गया और लाइट की फिटिंग हो रही है वहाँ पर संजोहिया कर रहे हैं वो भी आज कम्प्लीट हो जाएगा और कल वहाँ पर पूजा है तो मैं अभी दिखा दूंगा वहाँ पे कल ही दिखाऊंगा मतलब कि यहाँ पे कैसा बन चुका है पूरा दरवाजा दरवाजा लग के लाइट वाइट फिटिंग हो चुकी है और वहाँ पे पूजा होगी जो वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। फिलहाल तो मैं तलिया जाऊंगा और वहाँ से सामान लाना है मेरे को थोड़ा वैसे तो सामान कल ही आएगा शायद पर थोड़ा बहुत आज भी लाना है तो मैं जा रहा हूँ और गोलू मिल जाएगा वहाँ से वो ट्यूशन गया होगा तो वहाँ पर खेल रहा होगा क्रिकेट उसके बाद जब हम आएँगे वहाँ से क्रिकेट खेल के घर तो फिर ले आएंगे हम सामान ताऊ जी की दुकान से। फिलहाल तो मैं तलिया जाता हूँ तो अभी आ चुके हैं हम खेल के गोलू भी आ गया मेरे साथ ये भी ले जाएगा सामान और पीछे आंसू भी है तो हम तीनों का सामान ले जाएंगे। अभी पूछता हूँ मैं ताऊ जी से क्या क्या सामान ले जाना है फिर देखेंगे आगे क्या क्या सामान ले जाना बाड़ जी मेरा नहीं पड़ती भाई जी की गाड़ी ना हाँ अब वो ना तो अब गाड़ी में जाएंगे पहले हम पैदल जाने वाले थे परदीप भैया आ गए जो मैं घर बता रहा था ना उस दिन तो उनकी गाड़ी अभी दिखाऊंगा मैं वो पता नहीं अभी कहाँ है उनको भी दिखाऊंगा फिर गाड़ी में ही चलेंगे। रोज़ की तरह ही मम्मी यहाँ पे सब्जी बना रही है और साग से अंदर आटा गूँथ रही है वो अंदर आटा गूँथ रही है मम्मी सब्जी बना रही है दादी ऊपर लेटी हुई है और पापा टी वी देख रहे हैं और लालू महाराज जी कितना मस्त लग रहा है जो नहा धो के अरे एक्टिंग करो जो कहा गया आ लाल जड़ लो ना द्वार जा खुले आई होता डेर लगी ना आज मैं नवाजो एक्टिंग करो तो अरे अरे तो वही है रोज का। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और कल का व्लॉग मिस मत करना। कल यहाँ पे जो मंदिर बता रहा था मैं वहाँ पे पूजा होने वाली है मतलब अब कंप्लीट हो गया हो तो वहाँ पे पूजा होगी पाठ वगैरह जो भी होगा मैं घर पे ही हूँ तो दिखा दूंगा आपको। तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और ऐसे ही डेली व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय।